हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा, रैंक 62 CSE 2018 एंड आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज. दिस इज़ माय फोर्थ अटेम्प्ट. करेंटली आई एम इन इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज इनकम टैक्स एंड आई हैव स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन मेडिकल साइंस दिस ईयर 316. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट मेडिकल साइंस, कि हम कैसे मेडिकल साइंस प्रिपेयर करें, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, क्या हमारे सोर्सेज हो सकते हैं. तो इस सब चीज़ों पर डिस्कस करते हैं. तो पेपर वन और पेपर टू के हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं. पहले हम पेपर वन पर डिस्कस करते हैं और पेपर टू उसके बाद डिस्कस करते हैं. पेपर वन में सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्सेज की. तो सोर्सेज बहुत स्टैंडर्ड बुक्स ही हैं, कुछ मैंने अलग से कोई नई बुक्स के साथ नहीं किया, बट उनमें कुछ एडिशंस किए थे. जैसे एनाटॉमी में बी डी चौरसिया, एम्ब्रियो में आई बी सिंह थी, फिजियोलॉजी में ए के जैन और गेनोंग थी, बायोकेमिस्ट्री में मैंने हार्पर से किया, फार्मा में के डी टी से किया, देन आपका माइक्रो में बवेजा से किया, फॉरेंसिक में रेड्डी से किया. तो ये मेरे सोर्सेज थे, बट इनमें मैंने कुछ फाइन डिफाइनिंग करी थी अपने सोर्सेज को एडिट करने के लिए, कि जो भी हमारे टॉपिक थे सिलेबस के, सबसे पहले तो मैंने उन टॉपिक्स को उठा के जीरोक्स करा के बाइंड करा लिया, कि बुक्स में से सिर्फ मेरे पास वही चीज़ें हों जिनको मुझे पढ़ना है और एडिशनल चीज़ें ना हो, ताकि मेरे को रिवाइज करते वक्त आसानी हो, बार बार ढूंढना ना पड़े. दूसरा चीज़ मैंने जो किया उसमें मैंने बेसिकली आपका वो जो था क्या नाम है, जो पीजी की बुक्स हैं, पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बुक हैं, तो मैंने क्या किया, जो टॉपिक्स हमारे स्टैंडर्ड बुक से पढ़े, पीजी एंट्रेंस बुक्स की एग्जामिनेशन की बुक्स उठाई, उसमें देखा जो भी एडिशनल चीज़ें हैं, जो चीज़ें मुझे लगता है कि मेरे और कंटेंट को ऐड करेंगी और वैल्यू देंगी, तो वो चीज़ें मैंने अपने नोट्स में वहाँ पे लिखी, ताकि मेरे पास एक कॉम्प्रिहेंसिवली जो न्यू डेवलपमेंट्स हैं उस टॉपिक पे और जो ओल्ड डेवलपमेंट्स हैं दोनों साथ में हो और मैं एक साथ रिवाइज कर पाऊँ. तो ये मैंने अपने सोर्सेज के बेसिस पे की, सोर्सेज के लिए किया पेपर वन के. अब हम डिस्कस करते हैं पेपर वन की आंसर राइटिंग पे. पेपर वन की आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा आर्ट नहीं है, क्योंकि पेपर वन बहुत ऑब्जेक्टिव सा है, कि आपको या तो पता है चीज़ या नहीं पता है. आता है तो आप लिख देंगे, नहीं आता है तो आप नहीं लिख पाएंगे. कुछ वेरी इंटरप्रिटेशन नहीं करता है, बहुत ऑब्जेक्टिव सा पेपर है. बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम एडिशन कर सकते हैं. जैसे एनाटॉमी में हम मेंशन करेंगे अबाउट क्लिनिकल एनाटॉमी, एक्स्ट्रा क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, प्लस डायग्राम. जितने डायग्राम हम बना सकते हैं ना, उतने ज़्यादा डायग्राम बनाने हैं. सिमिलरली फिजियोलॉजी में भी क्लिनिकल एस्पेक्ट मेंशन करेंगे. फिर क्या नाम है, माइक्रोबायोलॉजी में हमें डायग्राम बनाने हैं, जैसे ग्राम स्टेनिंग का डायग्राम, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या है, मोटिलिटी का डायग्राम, या वो बैक्टीरिया कैसा दिखता है उस चीज़ का डायग्राम. पैथोलॉजी में हमें उसको डिवाइड करके लिखना है, कि ऑन ग्रॉस माइक्रोस्कोपी में क्या दिखेगा, ऑन हिस्टोलॉजी पे क्या दिखेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या दिखेगा, और साथ में डायग्राम बनाना है उसका, जो HND पेंसिल से बनेगा, हाथ से नहीं, HND पेंसिल से ही हमें उसका डायग्राम बनाना है. सिमिलरली फॉरेंसिक्स में आपको बहुत ज़्यादा मेडिको लीगल एस्पेक्ट पे फोकस करना है और डायग्राम पे. डायग्राम इन द सेंस, कोई इंजरी का क्वेश्चन आया तो आपको बॉडी बना के इंजरी के एरिया दिखाने हैं, कैसी इंजरी होगी. आपको वेपन दिखाना है कि कैसे वेपन से इंजरी हुई हो सकती है, और प्लस मेडिको लीगल एस्पेक्ट उसका क्या है. फिर सिमिलरली एक क्वेश्चन हमारा रेप और सेक्सुअल अब्यूज़ पे आता है, तो जनरली हमारे पास फॉर्मेट नहीं है उस आंसर को अप्रोच कैसे किया जाए. तो उस फॉर्मेट के लिए आप क्या करिए, कि आप अपने हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पे वन स्टॉप सेंटर्स बनाए गए हैं. तो गवर्नमेंट ने एक 10-15 पेज का एक फॉर्मेट दिया हुआ है, कि कोई हमारे पास सेक्सुअल अब्यूज़ का पेशेंट आएगा तो उसको हमें कैसे एग्जामिन करना है, क्या अप्रोच है, क्या हमारे सैंपल्स रहेंगे, किसको हमें इन्फॉर्म करना है. उस फॉर्मेट को ले लीजिए और उस फॉर्मेट को अच्छे से देखिए, और उसी तरीके से आप अपना आंसर लिखिए फॉरेंसिक्स में, ठीक है. और प्लस टॉक्सिकोलॉजी वाले पोर्शन को आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि टॉक्सिकोलॉजी से क्वेश्चन आता ही आता है. तो ये हमारा थोड़ा पेपर वन का सोर्सेज और आंसर राइटिंग था. पेपर वन की खास बात आपके साथ क्या है, कि आप जितना याद करेंगे उतने मार्क्स आएंगे, जितनी बार रिवाइज करेंगे उतने मार्क्स आएंगे. पेपर वन पे फोकस करिए, और साथ ही साथ दो तीन टॉपिक्स जो हैं, दो तीन पेपर जो हैं, जैसे फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड फॉरेंसिक्स, ये चार टॉपिक्स हैं जो छोटे हैं और इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जबकि एनाटॉमी, फार्मा और इन सबसे बड़े हैं, कम क्वेश्चंस आते हैं. तो इन चार टॉपिक्स को पहले करिए, और इनसे ज़्यादा श्योर क्वेश्चन आएंगे इनके टॉपिक्स को श्योरली कर लीजिए, तो वो आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा. इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे आप. तो अब आते हैं हम पेपर टू पे. पेपर टू पे जो हमारे सोर्सेस हैं,
वैसे हम बात करते हैं मेडिसिन की। मेडिसिन में हम कर सकते हैं रॉबिन्स, वो क्या मैथ्यूज से और हैरिसन से। सेकेंडली सर्जरी में मैंने मणिपाल मेनॉय से और आपका जो आपकी बेली बुक है सर्जरी की उससे किया। गायनी मैंने शॉज और दत्ता से किया। पीट्स मैंने घई से किया। पीएसएम मैंने आप डर्मा मैंने नीना खन्ना से किया और पीएसएम जो है मैंने पाक से किया। अब इसमें हमें ये डिस्कस करते हैं ये हमारे सोर्सेज हो गए, प्लस इसमें आप अपने कोशिश करिए कि जितने भी टॉपिक्स हैं उनके फ्लो चार्ट ले लीजिए कि जितने भी फ्लो चार्ट दिए हुए हैं हैरिसन में, मैथ्यूज में, बेलीज में या दत्ता में या फिर आपके घई में जितने फ्लो चार्ट्स हैं उन फ्लो चार्ट्स को आप अच्छे से एक जगह लिख लीजिए। तो अपने आंसर्स को आप कोशिश करिएगा कि आप फ्लो चार्ट फॉर्म में ही लिखेंगे, ना कि डायरेक्टली थ्योरी फॉर्म में। फ्लो चार्ट पर करने से आपकी स्पेस जल्दी भरेगी, मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। फिर दूसरी चीज़ आपकी आती है आपके इस बारे में जो हम करते हैं कि आपको और क्या करना चाहिए कि टॉपिक्स पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस किया जाए, फिर हम आंसर राइटिंग की तरफ चलेंगे। सब्जेक्ट में आप डर्मा पे ज़्यादा फोकस करिए, पीड्स पे ज़्यादा फोकस करिए, देन रेडियोलॉजी वाला पोर्शन है उस पर ज़्यादा फोकस। छोटे टॉपिक्स हैं इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। एंड सिमिलरली कम्युनिटी मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन की खास बात क्या है, हर क्वेश्चन में एक पार्ट कम्युनिटी मेडिसिन दिया होता है, तो कम्युनिटी मेडिसिन को आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, स्पेशली उसमें जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं। जैसे इस बार मिशन इंद्रधनुष पे क्वेश्चन आया, हर बार रीसेंट डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आता ही आता है, तो जो रीसेंट स्कीम्स है गवर्नमेंट की हेल्थ रिलेटेड उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो ये था हमारे पेपर टू के सोर्सेज के बारे में और आपका कहाँ से आपको किन पे आपको प्रायोरिटी रखनी है। पेपर टू के अब हम आंसर राइटिंग पे थोड़ा फोकस करते हैं कि हम आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं। पेपर टू के आंसर राइटिंग के लिए आपको दो या तीन चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहला क्या करिए, आप जो भी आपके टॉपिक है मेडिसिन सर्जरी गायनी के, मैंने क्या किया स्पेसिफिकली जो मैं बात बताता हूँ, मेरे पेपर टू में जो मार्क्स हैं वो 154, 136 यानी इस बार 165। तो जो मैंने चेंजेस लाए इस बार के पेपर वन और टू के लिए, स्पेसिफिकली पेपर टू में, वन में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं थे। कि पहले मैं क्या करता था कि कोई टॉपिक आया, सपोज करो एक ब्रेथलेसनेस का केस है, अब मुझे लगता था कि सिलेबस में तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म ही दिया हुआ है, तो मैं उस पेशेंट के आंसर को अप्रोच पल्मोनरी एम्बोलिज्म से करता था। पर आपकी अप्रोच ये नहीं होनी चाहिए, आप ये सोचिए आप एक हॉस्पिटल में हैं, ब्रेथलेसनेस का पेशेंट आएगा तो आप उसकी डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे? आप सारे कॉजेस को रूल आउट करेंगे ना, आप डायरेक्टली पल्मोनरी एम्बोलिज्म तो नहीं सोचेंगे, तो आप सारे कॉजेस के बारे में मेंशन करिए, सारे कॉजेस को लिख लीजिए। सिमिलरली एक क्वेश्चन आता है डिस्कस द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिस्कस द डिफरेंशियल डायग्नोसिस में मतलब क्या है, आप हर डायग्नोसिस के प्रोज एंड कॉन्स बताइए कि ये डायग्नोसिस के फेवर में क्या पॉइंट है और ये डायग्नोसिस के अगेंस्ट में क्या पॉइंट है, और फाइनली एक डायग्नोसिस आप लिख दीजिए कि ये मेरी फाइनल डायग्नोसिस है, इन बेसिस पे, इन पॉइंट्स के बेसिस पे मैं अराइव करता हूँ कि दिस इज माई फाइनल डायग्नोसिस। अब हम बात करते हैं कि आपको क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है। कि एक सपोज करो एक ब्रेथलेसनेस का पेशेंट आया, तो आप थोड़ा मेंशन करेंगे कि पेशेंट की बेसिस हिस्ट्री के बेसिस पे हमने क्या किया, देन एग्जामिनेशन के पॉइंट्स थोड़े लिखेंगे, बेस्ड ऑन दिस फिर आप आएंगे इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में आप लिखते जाएंगे डिवाइड करके, माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन क्या है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन क्या है, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन क्या है। जब इस इन्वेस्टिगेशन को आप करेंगे तो आपको ये मेंशन करना है कि आप किस इन्वेस्टिगेशन से क्या रूल आउट कर रहे हैं। फॉर सेंस कि ब्रेथलेसनेस का पेशेंट आया, तो आपने बताया कि एक्सरे से हम रूल आउट करेंगे पल्मोनरी कॉजेस क्या क्या हैं, MRI ECG करा के हार्ट कॉजेस को और अनेमिया वगैरह इन सब चीज़ों को हम रूल आउट करेंगे। तो आपको इन इन्वेस्टिगेशन में वो रूल आउट वाले फैक्टर्स को मेंशन करना है कि आप किस इन्वेस्टिगेशन से क्या रूल आउट करते जा रहे हो। फिर फाइनली आप मैनेजमेंट लिखेंगे, मैनेजमेंट में प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन है अगर कोई तो उसके बारे में लिखेंगे। फिर मैनेजमेंट को डिवाइड करेंगे आप फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। फिर उसके बाद आप उसको पोस्ट ऑपरेटिव या पोस्ट डिस्चार्ज फॉलोअप और एडवाइस क्या देंगे उसके बारे में भी आपको लिखना है कि आप काउंसलिंग करेंगे, ये एडवाइस देंगे, कब वापस आना है, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। अच्छा, प्लस सर्जिकल एस्पेक्ट में आपको उन सर्जरी का डायग्राम अगर हो जाए, जैसे कोलेसिस्टेक्टमी है तो उसका डायग्राम हो, परफोरेटेड अल्सर है तो उसका डायग्राम हो, ठीक है, या फिर आपका कोई भी पैनक्रियोडुडेनेक्टमी कर रहे हैं तो आप उसका डायग्राम हो, इन सारी चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हैं और उस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिपिंग का डायग्राम है वेरिकोज वेन में, तो उस डायग्राम को भी आप मेंशन करिए, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, तो वो आपको मार्क्स स्कोर करें। मतलब आप, मेरा कहने का मतलब है कि नॉलेज आपकी कॉपी पर दिखनी चाहिए कि आपको ये सारी चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ों को आप जानते हो,
और ये आपको मेंशन करना है। और सिंगल हार्टेड अप्रोच नहीं रखना कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म का पेशेंट आया तो सिर्फ पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं सोचने, सारे कॉजेज ऑफ ब्रेथलेसनेस सोचने हैं। पेन इन एब्डोमेन आया तो सिर्फ अपेंडिसेक्टमी या पैनक्रियाटाइटिस नहीं सोचना है, सारे कॉजेज ऑफ पेन इन एब्डोमेन सोचने और उनको रूल आउट करते हुए आपको लिखना है। उसके अलावा फ्लोचार्ट बेसिस पे ज़्यादा फोकस करिए। फाइनल कंक्लूजन क्या है आपका, आपने अगर कोई उनसे पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो सिर्फ नाम नहीं लिख देना है। अब ये बताइए आप किस बेसिस पे इस डायग्नोसिस पे पहुंचे हैं, या आपकी डायग्नोसिस क्या है, किन किन पॉइंट्स को देख के आपने मेंशन किया है कि मैं इस डायग्नोसिस पे इसलिए पहुंचा हूं, ये पॉइंट्स इसके फेवर में है, और फाइनली ये इन्वेस्टिगेशन करा के इस डायग्नोसिस को मैं अचीव कर लूँगा। ये आपको पेपर टू के लिए करना है। फिर सिमिलरली आप क्या करिए कि एंट्रेंस एग्जाम की बुक्स को देख के आप कोई फ्लोचार्ट मिलता है, न्यूअर एडिशंस हैं, कोई न्यूअर ड्रग्स आए हैं या न्यूअर सर्जरीज के मेथड्स आए हैं, उसको भी मेंशन करिए और आप उसको इंक्लूड कर लीजिए उसमें, ताकि आपको इससे हेल्प हो जाएगी और आपके आंसर की क्वालिटी बढ़ेगी और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड दिस वॉज द बेसिक चेंज विच आई डिड फ्रॉम 2017, जिसमें मेरे मार्क्स गिरे, 2018 में मार्क्स मेरे 267 से 306 हुए, कि मैंने पेपर टू की अप्रोच पूरी चेंज कर दी। उसमें यही था कि कैसे अप्रोच करना है आंसर को। मैंने अपने पीजी फ्रेंड से और सीनियर से डिस्कस किया कि कोई ब्रेथलेसनेस का पेशेंट है, कोई चेस्ट पेन का पेशेंट है, एब्डोमिनल पेन का पेशेंट है, आप उसको कैसे अप्रोच करोगे। उसके छोटे छोटे नोट्स बनाए और उसी तरीके से उस आंसर को मैंने अप्रोच किया। फिर फाइनली उसको मैं रेप्लिकेट कर पाया आंसर्स में, डायग्राम्स बनाए, फ्लो चार्ट्स बनाए, इन तरीके से किया मैंने, ताकि मैं अच्छे से मार्क्स को रिजॉल्व करूँ। फिर हेडिंग वाइज डिवाइड किया, इन्वेस्टिगेशन अलग अलग टाइप की, ब्लड, माइक्रोबायोलॉजिकल, मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल, सर्जिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल, पोस्ट ऑप ऑपरेटिव एडवाइस। जैसे गायनी में आपको मेंशन करना होता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस क्या देनी है, फॉलो अप क्या करना है, ये सारी चीज़ें। पीड्स में मदर को क्या काउंसलिंग करनी है, ठीक है। फिर सर्जरी में पोस्ट ऑप केयर क्या है, प्री एनेस्थेटिक केयर क्या है, मेडिसिन में डिस्चार्ज क्या है, नॉन फार्माकोलॉजिकल एडवाइस क्या है, कम्युनिटी मेडिसिन में आपका कम्युनिटी वाला एस्पेक्ट या रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या है गवर्नमेंट की, तो इस बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। ये आपके आंसर की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। अच्छा, दूसरा मेडिकल में याद रखिए रिविजन जरूर करना है, कम से कम 2 या 3 बार। कोशिश कर सको तो एग्जाम से पहले भी एक बार रिविजन कर लो, चाहे 1 दिन का टाइम मिले या 5 दिन का। ये मत सोचना कि मैंने 1 हफ्ते पहले किया था वो चीज़ें आपको याद आ जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। आपको रिवाइज करना है, रिपीटेडली रिवाइज करना है। हो सके तो हैंडमेड नोट्स बना लो पेपर 1 और 2 के, जिसको आप जल्दी जल्दी रिवाइज करो। डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक जगह पे लिख लो, 8-10 डिफरेंशियल डायग्नोसिस है हर जगह की, पेन एब्डोमेन की, चेस्ट पेन की, चेस्ट ब्रेथलेसनेस की, अनकॉन्शियस पेशेंट की, सीजर्स की, हेडेक विद फीवर की, नेक रिजिडिटी की, ऐसे 8-10 जो मेजर कंप्लेंट्स हैं उनके डिफरेंशियस लिख के रख लो और उनको याद कर लो अच्छे से, ताकि वो आपको जल्दी से वहाँ पे याद आ जाए और उनके पॉइंट्स फेवर में और अगेंस्ट में आप लिख पाओ। अच्छा, रही बात डोजेस की, कुछ लोग पूछते हैं हमें ड्रग डोजेस लिखनी चाहिए, जहाँ लिख सकते हो अच्छी बात है, नहीं लिख सकते कोई बात नहीं, बट जितने भी इमरजेंसी सिचुएशंस हैं, डायबिटिक कीटोसिस, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, MI, इन सारी केसेस में आप डोजेस जरूर लिखिए, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इन डोजेस को याद कर लिए, टोटल 7 या 8 चीज़ें हैं, इन डोजेस को आप याद करोगे तो अच्छा रहेगा। और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, हैरिसन डेलीज में डायग्राम फ्लो चार्ट है, उनको आप याद करिए, उनको लिखिए, उनको वहीं पर रेप्लिकेट करिए, आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी था जो मैंने चेंजेस किए अबाउट मेडिकल साइंस, क्या मैंने किया, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आपको अप्रोच करना है, क्या आपके सोर्सेस थे, क्या आपके डिस्कशन स्ट्रैटेजीज थे, आंसर राइटिंग कैसे करनी है। आई होप आपको इससे काफ़ी मदद मिली हो और आपके डाउट्स क्लियर हुए हों और आप भी अच्छे स्कोर मार्क्स कर पाएँ। थैंक यू फॉर दिस।